वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी तुंद जग चानन हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोआ। खालसा राज दी चढ़दी कला लई अलग अलग देशों तो अलग अलग शहरों तो संगतां जिहड़ियां ने नगर कीर्तन के रूप में हाजरियां भर रही ने। इस तरह ही इस वेले सिंध तो एक जत्था पहुंचया है सरदार मेर सिंह की अगवाई। हुण पंजाब के गवर्नर साहब जिहड़े गुरु नानक साहब जी महाराज जी ने 550 साल प्रकाश दिहाड़े देते जिन्हें भी जिहड़े प्रोग्राम पाकिस्तान विच उलीके जा रहे हैं उन्हां दी जिहड़ी अगवाई करते हैं, संगतां उन्हां दे दर्शन कर रही ने। आओ प्यार दे नाल एक जयकारा छड़ के उन्हां दा उन्हां नूं जीआं ही कहीए। बोले सो निहाल देखते 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 पंथ की राज करेगा सबते वड्डा। गुरमुख प्यारियो, इस साल बहुत बड़े पद्धर से गुरु नानक नाम लेवा जिहड़ी संगतां ने वह गुरु नानक साहिब महाराज जी दे 550 साल प्रकाश दिहाड़े नूं मनाउण लई कमर कसे करी बैठियां ने। ते सिखां दे दिल की धड़कन ननकाणा साहब वह पावन धरती है जिथे उस निरंकार ने मैता कालू दे वेड़े विच माता तृप्ता जी की कुख नूं भाग लाए और जगत दे भले लई महाराज जी का आगमन इस धरती ते होया। और पाकिस्तान की सरकार वालों, इमरान खान साहब वालों, पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब वालों, पंजाब के गवर्नर साहब वालों बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते सिखां नालों भी वड्डियां तैयारियां साडे इस्तकबाल लई सानू जी आया कहण लई कीतियां गईयां ने। और लगातार कोई ना कोई मिनिस्टर, कोई ना कोई वड्डा अधिकारी गुरद्वारा साहब जन्म स्थान तो इलावा पंजा साहब, डेरा साहब, करतारपुर साहब और वक् वक् गुरद्वारों के आ के संगतों को वेलकम भी करते हैं और उन्होंने मुश्किल उन्होंने किस तरह के इंतजाम किए गए हैं या इंतजामों के होर किस तरह बेहतरी की जा सकती है, इस गल का मुआयना जिहड़ा है डेली बेस के उत्ते किया जा रहा है। साढ़े बहुत ही वड्डे भाग ने कि असी पाकिस्तान की उस पावन धरती से बैठे हाँ जिस जगह लई जम्मन तो लैके मरण तक साढ़े मापिया ने हर खुशी कमी में एक अरदास की और जेडे साडे कन्ना ने सुनी कि श्री ननकाणा साहब ते होर गुरद्वारे गुरधाम जिन्हों तो पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। अज वो पाक साढ़े जा गए ने पाकिस्तान की सरकार वालों जिहड़े ने बाहरों आने वाले विदेशों तो आने वाले सिखां दे वीज़िया दे विच जदों दी नरमी की है लगातार ननकाणा साहब दी गलियां दी रौनकां बाहर हो चुकियां ने। हर रोज़ ही कोई ना कोई जत्था कोई जीप राही कोई बस राही कोई बसां दे काफलियां राही कोई स्पैशल ट्रेन राही कराची तो ननकाणा साहब आ रहे हैं। इस तरह कल दिल्ली तो भी जिहड़ा है दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की अगवाई में एक जत्था ननकाणा साहब पहुँचया सी। अज सरदार मीत सिंह की अगवाई में सिंध तो स्पैशल जत्था पहुँचे है पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ETP बोर्ड के चेयरमैन साहब ननकाणा साहब का जड़ा उन्होंने जोड़े मैंबरस ने जुम्मेवार ने और पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के जोड़े सबका प्रधान ने उन्होंने जोड़े सबका मैंबरस ने ननकाणा साहब दिया संगत सारिया अड्डिया चुक के आप लोगों जी आया कह तैयार बार तैयार बैठिया ने। और सिक्योरिटी के बिल्कुल ही बुलेट प्रूफ इंतजाम किए ने आप जी के ठहरन अलग अलग जड़िया ने बाहर जिहड़ियां टेंट सिटीज़ बनाई जा रही ने स्कूलों कॉलेजों के छुट्टियां करके आप जी के रहायश लिए बड़े अच्छे प्रबंध किए जा रहे हैं। जरूरत अज इस गल की है कि असी रल मिल के जिहड़ा इन्हां प्रोग्रामां नूं मनाने लिए जिहड़ा वह तैयार रहिए। हुण जिहड़ा प्रोग्राम है वह आप जी के सामने जिहड़ा रखा जाएगा जिहड़ा अगे हो रहा है जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
भाई साहब भाई मनी सिंह हुणा दा असीं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने बहुत ही प्यार और सत्कार सहित गुरबाणी दा हलाही कीर्तन संगतां नूं सरवण करवा के निहाल किया है। हुण मैं बेनती करांगा भाई साहब हुण जो स्टेज पर बैठे हुए हैं भाई मरदाना जी की वंश विचों वो 15 मिनट वास्ते आप सारयां नूं गुरबाणी दे कीर्तन द्वारा निहाल करनगे। आप सारे आप सारे विभागी हो गुरु महाराज के चरणों में बैठ के गुरबाणी का कीर्तन सरवण कर रहे हो। आओ भाई साहब हुण कीर्तन आरंभ कर रहे हैं। तन नानक तेरी वड़ी कमाई 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 तन नानक तेरी संगतां नूं बेनती है कि यह मर्यादा नहीं है जो तुसी कर रहे हो, इस करके कृपा करके समूह संगतां नूं बड़े निब्रता सहित बेनती है कि वह अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। गुरु महाराज का दरबार सजा होया है, आप इस तरह मर्यादा की उलंघना होंदी है। कीर्तन चलते दे विच आप सारे इस तरीके नाल खड़े होना गुरु घर का निरादर है, कृपा करके बैठने की कृपालता करो। मैं समूह गुरसिख वीरा भैणां नूं बेनती करांगा जिथे भी खड़े हन वह कृपा करके बैठने की कृपालता करो। गुरु महाराज का दरबार सजा होया है और इस तरीके दे नाल जिहड़े जिम्मेवार सज्जण हन जद वो ही खड़े हो जाणगे तो फिर बाकी आपां किसे नूं की कह सकते हाँ। इस करके मैं बेनती करांगा कि समाप्ति कर रहे ने जी, समाप्ति कर रहे ने, मगर संगत नूं बिठाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतह। पाली जी नूं बेनती है कि कृपा करके स्टेज ते आओ जी। गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु 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 वाहे मिलन बधाइयां जी बाबा तेरिया संगतानू
अज मिलन वधाइयां जी बाबा तेरिया संगतां नू माइयां नू नाले पाइयां नू माइयां नू नाले पाइयां नू साधां नू नाले संगतां नू साधां नू नाले संगतां नू गुरु काल से गुरु काल से पंथानु अज मिलन काल से पंथानु अज मिलन वधाइयां जी बाबा तेरिया संगतानु अज मिलन वधाइयां जी बाबा तेरिया संगतानु भाइयां नू नाल भाइयां नू माइयां नू मिलन वधाइयां जी बाबा तेरिया संगतानू अज मिलन वधाइयां जी बाबा तेरिया संगतानू माइयानू नाल पाइयानू माइयानू नाल पाइयानू साधानू नाल संगतानू साधानू नाल संगतानू अज मिलन वधाइयां जी बाबा तेरिया संगतानू अज मिलन वधाइयां जी बाबा तेरिया संगतानू वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।